इस दुनिया में इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। दुबई में स्थित इस खूबसूरत इमारत को 95 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। YouTube पर ज्यादातर वीडियो में ये बताया गया है कि इसमें दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट लिफ्ट शंघाई टावर के अंदर है, जिसकी स्पीड 73.8 किलोमीटर पर हावर है, और बुर्ज खलीफा की लिफ्ट की स्पीड 36 किलोमीटर पर हावर है, जो कि तीसरे नंबर पर आती है। दोस्तों जब ये इमारत बनकर तैयार हुई थी उस समय इसका नाम बुर्ज दुबई रखा गया था, लेकिन बाद में वहां के राष्ट्रपति के सम्मान में इसका नाम बदलकर बुर्ज खलीफा रख दिया गया था। इसमें कुल 200 फ्लोर्स हैं, जिसमें से 160 फ्लोर्स ही हैबिचुअल है, बाकी के 40 फ्लोर्स टेक्निकल यूज के लिए है। इस इमारत में एक साथ 35,000 लोग रह सकते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 210 मीटर की ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा में एक हेलीपैड भी बनाया गया है, जहां पर हेलीकॉप्टर उतारा जाता है। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 के दिन हुई, जब दुबई की एक कंपनी ईमार प्रॉपर्टीज ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की आर्किटेक्चर कंपनी SOM को दी थी, और इस कंपनी ने अपने मेन आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी थी। दोस्तों बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग CNT कॉरपोरेशन को दिया गया था, क्योंकि सैमसंग CNT कॉरपोरेशन ने ही ताइवान के ताइपे 101 को भी बनाया था। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना अकेले सैमसंग के बस की बात नहीं थी, इसलिए इस कंपनी ने अपने साथ बेल्जियम की बेसिक्स और UAE की अरब टेक कंपनी को भी अपने साथ मिला लिया था, और इनको इस इमारत को बनाने के लिए 6 साल का समय दिया गया था। दोस्तों बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर खड़ी है, और ये पाइल्स जमीन के 45 मीटर नीचे तक दबे हैं, और पूरी इमारत का वजन इन्हीं सॉलिड पाइल्स पर बराबर डाला गया है। दोस्तों बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए जिन क्रेनों का प्रयोग किया जा रहा था, वो क्रेन बस 120 फ्लोर तक ही कंक्रीट को ऊपर पहुंचा सकती थी, और उसके बाद इतनी ऊंचाई पर काम करने के लिए क्रेन ऑपरेटर्स ने भी मना कर दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया से अलग अलग देशों के क्रेन ऑपरेटर्स को दुबई लाया गया, जो ज्यादा ऊंचाई पर भी बिना डरे काम कर सके। दोस्तों बुर्ज खलीफा में 24,000 विंडो ग्लास पैनल्स लगाए गए हैं। एक ग्लास पैनल की कीमत 1.5 लाख रुपए है, क्योंकि ये ग्लास पैनल सूरज की यूवी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा गर्म नहीं होता। बुर्ज खलीफा को जनवरी 2004 में बनाना शुरू किया था, और 1 अक्टूबर 2009 को ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। हालांकि 6 जनवरी 2010 को बुर्ज खलीफा को आम लोगों के लिए खोला गया था। दोस्तों अगर इस बिल्डिंग को बनाने का सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है, तो वो है इसको बनाने वाले ऑपरेटर्स, जिन्होंने लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़कर इस पर काम किया। कहा जाता है कि हर रोज 12,000 मजदूर बुर्ज खलीफा को बनाने में काम करते थे। इसके अलावा पूरे बुर्ज खलीफा पर 12,00,000 LED लगाई गई है, और पूरी बुर्ज खलीफा एक स्क्रीन की तरह दिखाई देती है, जो कि पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी स्क्रीन है। रात के समय में इसमें मोशन पिक्चर्स चलती है, जो कि बहुत सुंदर दिखाई देती है। बुर्ज खलीफा पर भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की मोशन पिक्चर भी लगाई गई थी, और शाहरुख खान के 56वें जन्मदिन की वीडियो भी बुर्ज खलीफा पर शेयर की गई थी। दोस्तों हमारी रिसर्च के अनुसार बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। दोस्तों आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रांस के फ्रेड फ्यूजन और विंस रैफट ने बुर्ज खलीफा से छलांग भी लगा दी थी, और बुर्ज खलीफा से छलांग लगाने का रिकॉर्ड इन्हीं दोनों के नाम है। लेकिन दोस्तों फाइनली ये इमारत ज्यादा दिनों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रहने वाली है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक जेडा टावर बन रहा है, जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर बताई जा रही है। इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत ताइवान की ताइपे 101 थी, जिसकी ऊंचाई 508 मीटर है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, जिसको बनाने में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगे थे। इस समय दुनिया की 5 सबसे ऊंची इमारतें ये हैं। नंबर 5 पर है चाइना का पिंग एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, जिसकी ऊंचाई 599 मीटर है। नंबर 4 पर है सऊदी अरेबिया का अबरेज एबेट क्लॉक टावर, जिसकी ऊंचाई 601 मीटर है। नंबर 3 पर चाइना का शंघाई टावर, जिसकी ऊंचाई 632 मीटर है। नंबर 2 पर आता है मलेशिया का मेलडेका 118, जिसकी ऊंचाई 678.9 मीटर है। और नंबर 1 पर 828 मीटर की ऊंचाई वाला दुबई का बुर्ज खलीफा आता है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।